साथियों, इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा, वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। जैसा यहां अभी बताया गया, साल भर में, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, साल भर में करीब 80,000 यात्री, यानी 80,000 यात्री गाड़ियां, कार, करीब करीब 30,000 ट्रक इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे। सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सौराष्ट्र की यह कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है। अब सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें इतना लंबा समय होने के कारण और ट्रक के अंदर उठापटक रहती हैं, तो काफी कुछ नुकसान भी होता है, खास करके सब्जी को, फलों को काफी नुकसान होता है। ये सब बंद हो जाएगा। अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से, ज्यादा सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा।